सर, राजस्थान सरकार की ओर से ऐलान हुआ है, घोषणा हुई थी कि रोडवेज की कुछ बसें चलाई जाएंगी जो मजदूर इस वक्त राजस्थान के अंदर हैं और अपने घर के लिए जाना चाहते हैं, सड़कों के ऊपर हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। हाईवे पर कई कई किलोमीटर दूसरे राज्यों की सीमाओं से प्रवेश करके राजस्थान में आ गए हैं और अब दूसरे राज्य तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बस की व्यवस्था की थी और उसी व्यवस्था के चलते मजदूरों को अब बसों का इंतजार था। लेकिन कई बसें, क्योंकि बसों की जो संख्या थी वो लिमिट थी, लेकिन मजदूर जो थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसे में कई मजदूर जो हैं जिन्हें बस नहीं मिल पाई थी, उन मजदूरों ने अब पैदल ही अपना पलायन करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मजदूरों को इस वक्त प्रदेश के अंदर ना खाना मिल रहा है, रोजगार की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो मकान मालिक उनके हैं, उन्होंने उनसे किराए की डिमांड करना शुरू कर दी है और ऐसे में अब उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि आखिरकार अपने परिवार को पालने के लिए मजदूर आखिर करे क्या। ऐसे में मजदूरों ने फैसला कर लिया है कि पैदल ही उनको अपने घर तक जाना है, जो उनके जहां कर भी अधिकतर जो मजदूर हैं, जो हमारी बातचीत मजदूरों से हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि अधिकतर जो मजदूर है वो एमपी और राजस्थान और बिहार के मजदूर हैं, इन्होंने वहां के लिए पलायन शुरू कर दिया है। लेकिन रोडवेज की बस की संख्या बहुत सीमित है, बहुत कम है और इसीलिए इन मजदूरों ने अब हाईवे की ओर अपना रुख करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर और शुक्रवार को जो बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई है, उसमें प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों की फिक्र के साथ साथ उन्होंने राज्यों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये अपील की है, उनसे विनती की है कि प्रवासी जो राजस्थानी हैं उस वक्त उनके राज्यों के अंदर, उनकी सुविधाओं का वहां के मुख्यमंत्री पूरा ख्याल रखें और इसके लिए उन्हें जो भी मदद राज्य सरकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चाहिए उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने पत्र जारी किया है तमाम दूसरे पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि देश के सभी राज्यों में राजस्थान के लोग निवास करते हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में अपने राज्य से दूर ये राजस्थानी पलायन नहीं करें और इसे रोकने के लिए उनके स्वास्थ्य, भोजन और आवास की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि कोरोना के संक्रमण के चलते राज्यों की सीमाएं सील है, लिहाजा प्रवासी राजस्थानी जहां हैं वहीं पर रहें, वहां से राजस्थान के अंदर ना आए, अपने राज्य में आने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वहां की सरकारें आपकी आपका पूरा पूरी देखभाल करेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर संभव मदद उन राज्यों को देने के लिए भी इस पत्र के अंदर कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक मांग भी की है कि मजदूरों के पलायन पर राज्यों को केंद्र सरकार स्पष्ट निर्देश जारी करे। जिस तरीके से राज्यों के अंदर स्थिति बनी हुई है उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की है कि वो राज्यों की तमाम सरकारों को ये दिशा निर्देश दें कि वहां से जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं, ऐसा ना हो कि वहां की जो सरकारें हैं वो केवल अपने ही राज्य के लोगों को देखभाल करने का काम कर रही हों और ऐसा ना हो किसी प्रकार से दूसरे राज्य के जो मजदूर हैं उनसे किसी प्रकार का भेदभाव हो। ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो प्रवासी वहां पर मजदूर रह रहे हैं, जो पलायन करने को मजबूर हैं, उनको रोकने की व्यवस्था की जाए, उनको वहीं पर रहने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि सभी भाई बहन अपना देखभाल करें। वहीं लॉकडाउन के चलते कल कारखाने बंद हो रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों का काम खत्म हो गया है और इसके चलते मजदूर अपने गांव पलायन कर रहे हैं और इसी वजह से राजस्थान से पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए पैदल रवाना हो गए मजदूर और प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए रोडवेज की जो व्यवस्था की थी वहां से बसों में ले जाकर मजदूरों को जो पड़ोसी राज्य है उनकी बॉर्डर पर छोड़ने का फैसला किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पड़ोसी राज्यों के लिए बेहद ये शर्म की बात है, यानी कि जब ये तस्वीर आती है तो बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है कि पड़ोसी राज्य किस तरीके से भेदभाव राज्यों की सीमाओं से कर रहे हैं और वहां पर कोई भी राज्य अब अपने मजदूरों को अपनी सीमा में नहीं घुसने दे रहा है। यानी कि मजदूर काम के लिए तो राजस्थान थे लेकिन जब वापस घर के लिए अपने रवाना हो रहे हैं तो उनको उनके राज्य की सीमाओं में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सूचना ये भी मिल रही है कि राजस्थान से जाने वाले जितने भी मजदूर थे उनको उत्तर प्रदेश के अफसरों ने भरतपुर जिले में बॉर्डर पर रोक दिया है, मजदूरों को अन्य राज्य भी अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दे रही है और राजस्थान रोडवेज की बसों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो आसपास के पड़ोस के राज्य की जो सीमाएं हैं मजदूरों के उनके राज्य की सीमाओं तक छोड़ने की व्यवस्था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी।
जिसमें रोडवेज की बसें प्लान करने वालों को भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचते ही यूपी के अफसरों ने वहां पर उनको रोका है, उनको बॉर्डर में उनको एंटर नहीं होने दिया, जिसके चलते वहां पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आती है। वहां पर जो संख्या है मजदूरों की वो ज्यादा नजर आती है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन लाचार जो मजबूर मजदूर हैं, इनकी देखभाल कैसे होगी और वो कौन करेगा, और क्या इन्हें ऐसे ही जोखिम उठाकर कई कई किलोमीटर का पैदल सफर करना होगा। जी, हमें मुरादाबाद जाना है। खाने पीने की व्यवस्था जो हमारी नहीं है, अगर रास्ते में कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। आपको पता था कि किस तारीख को लॉकडाउन है, उसके बाद भी आप यहाँ आते थे? अब मजबूरी है हमारी, अब वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, जो कि हम लोग काम कर लेते तो अपने हमारी व्यवस्था हो जाती, कमाते तो हमारे पास पैसा भी रहता। अब कहाँ जाओगे? अब मुरादाबाद जाना हमें पैदल। जी, पैदल जाएँ या अगर कोई सवारी मिलेगी तो उससे जाएंगे। और खाने पीने की व्यवस्था कोई भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम जफर है। ये हनुमान नगर से आए हैं, मुरादाबाद जाना है। अजमेर काय के लिए आए थे? काम मजदूरी करने के लिए। तो यहाँ क्या खाना पीना? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। 8-10 दिन से पड़े हुए हैं। अब यहाँ से निकले, जब हमने देख लिया कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ से पैदल ही हमने पूरा काफिला है ना, कोई एक दो बंदे नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं, आपने देखा होगा, और हर जगह फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लॉकडाउन उसने अपनी मर्जी से कर दिया है। बंदे कहाँ फंसे हैं, कहाँ नहीं फंसे हैं, कैसे घर पहुँचेंगे, उसकी कोई फिक्र नहीं है। रिजवान हुसैन नाम है मेरा। कोई व्यवस्था नहीं है सर, बस ऊपर वाले का नाम लेके चले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अरे साहब, इतने अहमदाबाद चल रहे हैं, 5 दिन है गए आज। अच्छा, आप यहाँ काहे के लिए आए थे? और हम तो रास्ते में निकल के जा रहे हैं। आपको मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला है? अरे बाबूजी, कुछ है नहीं व्यवस्था, कहाँ क्या करें हम लोग, तनख्वाह फनखा का जुगत नहीं है, रोजगार का जुगत नहीं है, चल दिए भूखे प्यासे। अभी आप पैदल ही जाओगे? पैदल ही जाएंगे साहब, नहीं मिलेगा साधन तो। खाने वगैरह की व्यवस्था? खाना तो जो मिलेगा ठीक है, पानी पी के चल रहे हैं। आपका नाम? नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।